किचन जो आपका अपना चैनल है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम बहुत स्पेशल कुछ करने जा रहे हैं थोड़े दिन पहले आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि रोशनी कुछ बहुत ब्यूटीफुल रीजंस की वजह से किचन को थोड़े दिन के लिए छोड़ कर गई है तो शी इज ब्लेस विद बेबी गर्ल और हम सब उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वो आप सबके चेहरों पर देख ही सकते हैं वी आर सुपर एक्साइटेड और आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं आंटी को भी देख रहे हो आप सलोनी को भी देख रहे हो और बैग दी किचन भी मेरे साथ कुछ लोग हैं जो अभी यहाँ सामने आने में शर्मा रहे हैं वो सब भी हैं हम क्या करने जा रहे हैं आज हाँ पंजीरी, पंजीरी वाले लड्डू बनाने जा रहे हैं हम उसके लिए जो कि एक लैकेटिंग मदर के लिए है या एक न्यू मदर के लिए इवन जो लोग उसकी केयर करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं है ना तो फिर हमारे चैनल में बने रहिए चलिए तो फिर किचन में चलते हैं और बनाते हैं पंजीरी वाली लड्डू चले तो पूरी तैयारी कर दी आप लोगों ने चलिए किचन में दिखाती उन लोगों ने क्या क्या किया है और ये सब कुछ यहाँ पर है देखिए तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारा सामान है जो हमारे को पंजीरी के लड्डू बनाने के लिए चाहिए होता है जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत फायदेमंद होता है एक लैक्टेटिंग मदर के लिए तो देखिए अब इसे कैसे बनाना है यहाँ मैंने पाँच टेबल स्पून के करीब खसखस ले लिया है और इसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और जब ड्राई रोस्ट करेंगे ना आप देखेंगे कि आपकी जो खसखस है थोड़ा सा उछलने लगे बिल्कुल बस उस टाइम पर आप समझिए देखिए आप यहाँ देख सकते हैं आप समझिए आपकी खसखस बन गई है और बिल्कुल ड्राई रोस्ट या अपने आप को नारियल को करना है नारियल का चाहे तो आप बुरादा ले लें या आप चाहें तो नारियल को थोड़ा सा कस के भी यूज़ कर सकते हैं तो बस देखिए मेरे पास नारियल का बुरादा था वो मैंने ले लिया और अब यहाँ मैं क्या करूँगी तीन चम्मच मैं यहाँ पर असली घी डालूँगी और मैं गोंद फ्राई करूँगी गोंद कमर के लिए बहुत अच्छा होता है तो गोंद को जब भी आप यूज़ करें यहाँ मैंने सौ ग्राम गोंद लिया है आधा आधा करके मैं इसको फ्राई करूँगी पर गोंद को ना हमेशा थोड़ी देर धूप में सुखा लें तो इसकी जो सील है वो निकल जाती है और फिर आप इसे जब फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से फूल जाएगा और फिर थोड़ा सा ना आप इसे कूट लें और कूट के फिर इसको फ्राई करें तो कितना बढ़िया आपका जो है गूंद बन के तैयार हो जाएगा बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह ये फूल जाता है और देखिए जब मैंने मसल के देखा तो कितना परफेक्टली ये आपका चूरा हो रहा है तो आप देख लीजिए अगर नहीं होता तो इसको रीफ्राई कर लें और बस पैन में फिर थोड़ा सा घी डाल दिया है और घी डालने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे बादाम की गिरी बादाम बहुत ताकतवर होता है तो ज़रूर डालिएगा और उसी में सौ ग्राम मैंने काजू भी डाले हैं और याद रखिए जब भी हम मेवा फ्राई करें तो लो से मीडियम के ऊपर और अखरोट भी आप इसी के अंदर फ्राई कर लीजिए और बस उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अपने मखाने बहुत कैल्शियम रिच होते हैं ये के बाद अब मैं यहाँ मखाने डाल रही हूँ मखानों को भी हम क्या करेंगे गोल्डन फ्राई करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे करेंगे बस ये देखिए बिल्कुल एक ऐसी स्टेज आएगी कि आपके मखाने जो हैं जितना भी घी है उसको पी जाएंगे एक बार इसको चेक कर लीजिए अगर ये क्रंची हैं इसका मतलब ये बन गए हैं फ्राई हो गए हैं अच्छे से और अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है जो मेलन सीड्स होते हैं ना जिसे आप मगज भी कहते हैं वो मैंने यहाँ डाल दिए हैं और इसको भी मैं हल्का सा घी डालकर रोस्ट कर लूँगी और देखिए थोड़ा सा जब ये उछलने लगे ना जैसे घसकर सोच ली थी आप समझिए ये आपके बन गए हैं और अब हम यहाँ कर रहे हैं क्या यहाँ मैंने सूजी ले ली है सूजी बिल्कुल ऑप्शनल है पर सूजी डाल दें तो थोड़ा सा भुरभुरा बना आ जाता है अच्छा लगता है और वैसे भी फ़ायदेमंद होती है लेटेटिंग या न्यू मदर्स के लिए तो पहले मैंने उसे ड्राई रोस्ट किया और जब उसका कलर चेंज हो गया तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल दिया है ऐसा मैंने क्यों किया कि जब हम ड्राई रोस्ट करते हैं ना तो सूजी जल्दी से क्या होती है एकदम आपकी भुन जाती है और थोड़ी सी मैं इसके अंदर भी क्या डाल दूँगी अजवाइन डाल दूँगी क्योंकि अजवाइन तो इसका की इन्ग्रीडियंट है आप अजवाइन डालना बिल्कुल ना भूलें तो मैंने अराउंड थ्री टेबल स्पून के करीब जो है अजवाइन यूज़ की है थोड़ी सी मैं यहाँ डालूँगी और थोड़ी सी मैं आटे के अंदर बाद में मिलाऊँगी और इसको हम क्या करेंगे रोस्ट कर लेंगे आटे को फ्राई कर लेंगे बिल्कुल धीमी आँच पर करेंगे तो आपको कम से कम पंद्रह मिनट लग ही जाएंगे इसको भुना भूनने में बट आप इसको बिल्कुल गोल्डन गुलाबी गुलाबी भून लें और भून कर इसको फिर हम साइड में रख देंगे ऑप्शनल है बट मैं आपसे कहूँगी कि इसको आप ज़रूर यूज़ करें चाहे आप इसकी पंजीरी बनाएं या फिर इसी रेसिपी से आप लड्डू बनाएं पर जो इसका जो स्वाद होता है ना जो एक क्रंच होता है वो उसको दुगना कर देता है और यहाँ हम आटे को भी भून लेंगे तो आटे के लिए भी मैंने क्या किया कि बिल्कुल इसको ड्राई रोस्ट करना है तो मैंने पैन के अंदर डाटा डाल दिया है और उसको ड्राई रोस्ट करूँगी ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा कि आटा जो है वो बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा घी डालते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है और वैसे भी घी जो है डालें तो ज़्यादा घी डालना पड़ता है पर यूं तो हमें कंजूसी यहाँ करनी नहीं है क्योंकि हम लैक्टेटिंग मदर के लिए बना रहे हैं पर अगर कभी आप अपने यूज़ के लिए बनाएं तो आप ड्राई रोस्ट करके भी बना सकते हैं ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और देखिए आप देख सकते हैं अब जैसे ही मेरा जो आटा है वो गोल्डन ब्राउन हुआ तो मैंने इसके अंदर जो मैंने सूजी भून के रख दी थी वो डाल दिया इसके अंदर और इसको मिलाएंगे और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा घी और अब क्योंकि गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब हम घी के साथ भी इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और घी के साथ भून के फिर जो इसका कलर आएगा वो बड़ा मज़ेदार आने वाला है पर भूनेंगे हम स्लो गैस के ऊपर ही है ना उसकी जो हीट है वो आपकी हमेशा क्या रहनी चाहिए स्लो ही रहनी चाहिए ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ जाएगा आपका तो कई बार क्या होता है कि लोग थोड़ा सा हल्का इसको भूनते हैं बट थोड़ा सा अगर हम गुलाबी भूनेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आपका चाहे लड्डू बने या आपकी पंजीरी बने उनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है सोंदापन आता है तो कम से कम एक किलो को मैंने टाइम देखकर किया तो अराउंड फोटी फाइव से फिफ्टी मिनट्स लग जाते हैं अगर आप एक किलो के करीब आटे को आ, बिल्कुल स्लो से या मीडियम के ऊपर भूने तो तो कोई बात नहीं इतना टाइम लगाइए आप और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ ये देखिए जो मेरा गोंद मैंने फ्राई करके रखा था उससे मैं या तो किसी आ, किसी भी कप से या किसी भी स्पैचुला से क्या कर लूँगी क्रश कर लूँगी ठीक है और ये देखिए एक तरफ मैं आटा भी भून रही हूँ तो आटे को भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना गोल्डन कलर हो चुका है मेरे आटे का है ना और अब यह मैं क्या करूँगी गरम-गरम आटे के अंदर मैं किशमिश डाल दूँगी किशमिश आपने देखा होगा मैंने फ्राई नहीं की थी उसका रीज़न क्या था कि किशमिश जो है वो जलने का डर रहता है तो जब मेरा आटा जो प्रॉपरली भून गया मैंने गैस को ऑफ कर दिया तो मैंने इसमें किशमिश डाल दी और अब हम क्या करेंगे सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आधा क्रश करेंगे और आधा मिक्सी में ब्लेंड कर देंगे तो सबसे पहले तो मैंने खसखस का पाउडर जो लिया था उसको ब्लेंड कर लिया उसका पाउडर बना लिया और अब मैं मखाने जो थे ना उसमें से आधे मखानों को देखिए पल्स कर रही हूँ और छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे को पूरा क्या करना है उसको पाउडर नहीं बनाना है तो ये मैंने आगे ले लिए ये मखाने देखिए इस स्टेज के ऊपर आपको चाहिए और अब जो हमने नारियल फ्राई करके रखा था ना उसका भी हम पाउडर बना लेंगे तो वो भी थोड़ा सा पाउडर हो जाता है तो उसका टेस्ट अच्छा आता है और मुंह में ज़्यादा लगता नहीं है तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अब ये मैं इसके अंदर काजू और बादाम जो थे मेरे वो डाल रही हूँ आधा ही डालूँगी और आधे को क्या मैं करूँगी जैसे अभी मैंने आपको तोड़ कर दिखाया था वैसे आप किसी इमाम दस्ते से या अपने किसी स्पैचुला से इनको क्या कर लें क्रश कर लें ठीक है तो वो भी हम कर लेंगे ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा मैं इसको कूट रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा मुँह में जब इसके टेस्ट आते हैं ना साबुत आते हैं तो बड़े मज़ेदार लगते हैं ये तो इस वजह से मैंने ऐसा किया है आप चाहें तो पाउडर बना लें अगर आपको साबुत मुँह में नहीं अच्छा लगता तो आप इनका पाउडर भी बना सकते हैं और अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को इकट्ठा कर लेंगे चाहे वो कूटे हुए हों चाहे वो पाउडर्ड हों उन सबको हम क्या कर लेंगे इकट्ठा करके क्या कर देंगे मिक्स कर लेंगे अभी इसमें हम गोंद डालेंगे और हम डालेंगे बीजे तो ये मैंने इसके अंदर गोंद मिला दिया है जो मैंने कूट के रखा था आप चाहे ना तो गोंद को मिक्सी में भी पीस सकते हैं पर थोड़ा मुंह में ऐसे आता है ना मोटा मोटा तो अच्छा लगता है और यहाँ हमारे चार मगज़ भी हमने इसके अंदर मिला दिए और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं खसखस का जो पाउडर हमने किया था ना वो इसमें डालेंगे और इस मिक्सचर को क्या करेंगे प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे और अब क्या कर रहे हैं हमने जो आटा था ना जो आटा और सूजी का मिक्सचर बनाया था जिसमें हमने किशमिश डाल दी थी उसको हम ड्राई फ्रूट्स वाले मिक्सचर के अंदर डाल देंगे और इनको बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे चला के एक सार कर लेना है हमको बिल्कुल परफेक्टली ये मिल जाए एक दूसरे के साथ चलिए तो अब आगे हम एक तड़का बना लेते हैं हमने क्या करना है एक पैन के अंदर घी डाल दिया मैंने तीन चार चम्मच घी डाल दिया उसमें तीन चम्मच मैंने हल्दी डाली है और उसके अंदर मैंने दो चम्मच जो अजवाइन के मैंने आपसे कहा था ना टोटल मैं तीन चम्मच डालूंगी दो चम्मच मैंने अजवाइन के डाल दिए और दो से ढाई चम्मच ही मैंने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डाला है जो कि बहुत ज़रूरी है एक पंजीरी की रेसिपी के लिए और बस अब इन सब को हम डाल के जो हमारा फ्राइड वाला जो आटे का मिक्सचर था उसमें मिक्स कर देंगे हमेशा कहूँगी कि हल्दी का यूज़ आप ज़रूर ज़रूर करें और कच्ची हल्दी मिल जाए तो इससे बढ़िया तो कोई मेडिसिन ही नहीं हो सकती एक लैक्टेटिंग मदर या एक न्यू मदर की जो बोन्स की हेल्थ होती है ना उसके लिए और बहुत अच्छे से इसे मिला दें और अब यहाँ पर हम कुछ हर्ब्स डाल देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पर ऑप्शनल हैं आप डालें ज़रूर अगर मिल जाए तो तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सूट का पाउडर फिर इसके अंदर मैंने बेल के गूदे का यूज़ किया है कमरकस का यूज़ किया है और थोड़ी सी सुपारी के पाउडर का यूज़ किया है ये चीज़ें गर्म होती हैं और खाने से इसको बहुत शरीर में ताकत आती है तो आपको इन सब का यूज़ ज़रूर करना चाहिए अगर मिल जाए तो किसी पंसारी के पास ये आराम से मिल जाता है मिले तो यूज़ कीजिए मुझे यहाँ कैनेडा में जो जो कुछ मिला वो मैंने यूज़ कर लिया है और ये सब खाने का ना फ़ायदा पता है क्या है और पेट के अंदर जितना भी गंद होता है वो निकल जाता है तो ये चीज़ों का आप यूज़ ज़रूर करें मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बस अब इसके अंदर हम लोग मिला देंगे थोड़ी सी चीनी चीनी मैंने पाउडर चीनी मिलाई है आप खांड मिला सकते हैं आप शक्कर मिला सकते हैं आप गुड़ को चूरा करके वो भी मिला सकते हैं वो भी बहुत गर्म होता है इस टाइम कहा जाता है कि आप जितना गर्म खाते हैं उतने ही आपके पेट की जो है वो में जो जमाव होता है वो हटता है आपके पीरियड्स एकदम से क्लियर हो जाते हैं और आपकी जो बॉडी है ना वो एकदम अपनी एक शेप में आ जाती है एक शेप ले लेती है तो इस टाइम इन चीज़ों को अवॉइड ना करें प्लीज़ फोर्टी डेज़ तक अपनी हेल्थ का अपने बच्चे की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें इस टाइम आप जो खाते पीते हैं वो आपके बच्चे को लगता है उसकी हेल्थ में आगे उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है तो कहते हैं ना जो हमारे बड़े कुछ कह कर गए हैं वो कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा होता है तो सच में इसका बहुत फ़ायदा होता है यहाँ मैंने कमर कस का यूज़ किया है आपको मिल जाए तो आप ज़रूर लें नहीं मिले तो कोई बात नहीं जो चीज़ें ऑप्शनल लिखी हैं मैंने चाहे आप उन्हें ऑप्शनल करें पर जो चीज़ें आपके घर में मिल जाती हैं उन्हें ज़रूर यूज़ करें और ये देखिए अब मैं जिन जो चीनी मिलाई थी उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और आप इसी स्टेज पर चाहें तो इसको छोड़ दें चाहें तो इसे पंजीरी के रूप में खाएं और अगर आप चाहें तो इसके लड्डू बना लें तो मुझे तो लड्डू एक अच्छी ऑप्शन लगती है कि जैसे मान लीजिए आपने लड्डू बनाए और दूध के साथ सुबह एक लड्डू खा लिया फिर दोपहर को एक लड्डू खा लिया ऐसे शाम को एक लड्डू खा लिया तो आपको पता रहता है कि आपने एक एक लड्डू खाया है और इतना आपके पेट में गया है है ना तो आप किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं तो इसको बहुत अच्छे से मैं मिला रही हूँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर और बस अब हम इसके लड्डू बना लेंगे और लड्डू बनाना बहुत आसान है बस अपने पेड़े उठाइए दो जितने आपको लड्डू बनाने हैं और उसको अच्छे से गोल कीजिए और बना कर रखते चले जाइए आपके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि लड्डू कैसे बनने आप थोड़ा सा पंजीरी उठाइए उसे गोल गोल कीजिए अपने हाथों की दोनों हथेलियों में और गोल करके रखते चल जाइए देखिए एक और बनाकर आपको दिखा देती हूँ आप चाहें तो दोनों हाथों से भी बनाकर रख सकते हैं ना और अगर शेप इस टाइम प्रॉपर ना आए तो कोई बात नहीं इसको बना कर रख दें और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो दोबारा से इसको आप अपने हाथों में गोल करें और एक परफेक्ट सी शेप दे दें तो बहुत बढ़िया आपके लड्डू बन जाएंगे और देखिए कुछ इस तरीके से हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए और जो हमारा किचन महक रहा है इस वक्त वो तो मैं आपको क्या बताऊँ इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना सोंदी सूंदी ओह हो, हो। अच्छा एक बात आपको कहूँगी मेवा आप अपने हिसाब से जो आपको मिले आप डाल सकते हैं आप जितनी चाहें डाल सकते हैं थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं आप अगर पंजीरी बनाएं तो आपका घी कम लगेगा अगर आप लड्डू बनाएंगे तो आपका ज़्यादा लगेगा चलिए तो फिर इसी बात पे अगर आपको रेसिपी पसंद आ गई हो और आपका भी मन कर रहा हो इसको बनाने का तो प्लीज़ इसे बनाइए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर उन्हें भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे चलिए तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो या नई रेसिपी या नए ब्लॉग के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए और बस हैप्पी कुकिंग टू यू ऑल गॉड ब्लेस यू